तो हाय फ्रेंड्स नमस्कार है आप सभी का और आज हम लोग बात करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी का रीजनल लैंग्वेज एंड ट्राइब लैंग्वेज के बारे में ठीक है तो सेमेस्टर थ्री में जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं और उनका टीआरएल में टीआरएल मतलब ट्राइब एंड रीजनल लैंग्वेज इसमें आपके टोटल ये सारे लैंग्वेज आ जाते हैं देखिए इसमें आपके ल, आता है पहला हो लैंग्वेज दूसरा है खड़िया लैंग्वेज तीसरा है खोरठा चौथा है कुड़ुक पाँचवा है कुरमाली छठा है आपका यहाँ पे मुंडारी लैंग्वेज सातवां है नागपुरी आठवां है आपका पंच परगनिया और नौवां है आपका संथाली ये नौ लैंग्वेज का हम लोग सिलेबस जानेंगे कि क्या इसमें पूछा जाएगा और किसका किसका सिलेबस तो पहले ध्यान से देखिए मेजर पेपर जानेंगे सिलेबस ठीक है माइनर पेपर का सिलेबस जानेंगे ठीक है मेजर पेपर फोर का मेजर पेपर फाइव का तो उसके बाद माइनर पेपर ठीक है मेजर पेपर फोर फाइव माइनर पेपर वन बी जो लोग रखे हैं इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को उसका जानेंगे साथ में जानेंगे हम लोग ए सी पेपर में अगर आपको इसको रखे हैं ठीक है तो उसका भी सिलेबस जानेंगे ए सी चलिए इन चारों का देखते हैं सिलेबस देखिए सबसे पहले आपका जो भी इसका लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप इसे अपने मोबाइल से कर सकते हैं ठीक है तो अपने मोबाइल से कर सकते हैं इसलिए मैं आपको मोबाइल से दिखा रहा हूँ नहीं तो मैं लैपटॉप से भी इसको दिखा सकता था देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसका लिंक जैसे ही खोलिएगा तो आपके सामने दो तरह से आएगा दो गो सिलेबस आएगा ये पुराना वाला को नीचे वाला को मत मारिएगा ठीक है ये नीचे वाला काम नहीं देगा ये जो 2026 लिखा है बाईस छब्बीस ठीक है इस पर आपको नहीं जाना है ये आपका काम नहीं देगा आपका काम देगा ऊपर वाला ठीक है यहाँ पे देखिए मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ ये आपका बाईस छब्बीस और तेईस सत्ताईस और, और आने वाला जितना भी है चौबीस अट्ठाईस इन सभी के काम में यही देगा और यही आपको भी पढ़ना है ठीक है तो देखिए यहाँ पे एक मिनट यार दरवाजा ना खाली हिलते रहता है देखिए आपका जो भी सब्जेक्ट है सपोज डेट आपका हो है या फिर खड़िया है या फिर खोरठा है या फिर कुरुख है कुरमाली जो भी है ठीक है जिसका भी है सबसे पहले उसको क्लिक कीजिएगा सपोज डेट मैं यहाँ पे खोरठा क्लिक कर, करके दिखा रहा हूँ क्योंकि खोरठा में मैक्सिमम बच्चे हैं ठीक है टिके? तो मैं यहाँ पे खोर्ठा को आपको क्लिक करके दिखाता हूँ जैसे मैंने खोरठा पे क्लिक कर लिया ठीक है वैसे ही आप किसी एक सब्जेक्ट को क्लिक कीजिएगा जो भी आपका सब्जेक्ट है अब यहाँ पे आपका ऑनर्स पेपर का नाम लिखा रहेगा पहले वाले पेज में ठीक है उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर उठाइएगा तो आपको यहाँ पे कोर्स ऑफ कंटेंट मिलेगा ठीक है देखिए यहाँ पे एक साइड में पेज नंबर है और एक साइड में आपका यहाँ पे नाम लिखा है तो आपको आ जाना है सेमेस्टर थ्री सेमेस्टर थ्री में देखिए यहाँ पे आपका इस तरह से लिखा होगा मेजर पेपर फोर और मेजर पेपर फाइव सभी का सामान्य लोक साहित्य सभी में पढ़ना चाहे आप कोई भी ऑनर्स हो बस उसी भाषा में पढ़ना होगा ठीक है सामान्य लोक साहित्य पढ़ना है चाहे आप हो के हों खड़िया के हों कुरमाली के हों चाहे खुर्ठा के हों सभी को पढ़ना है मेजर पेपर फोर में सामान्य लोक साहित्य और मेजर पेपर फाइव में पढ़ना है आपको जैसे अगर आप हो से हैं तो हो काव्य के विविध रूप पढ़िएगा खोर्ठा से तो खौरठा काव्य के विविध रूप पढ़िएगा ठीक है सबका सेम इसी टाइप से मेजर पेपर फाइव है और सिलेबस कहाँ पे मिलेगा तो पेज नंबर बाईस पे इसका और इसका पेज नंबर तेईस पे सभी का यहाँ पे बगल में पेज नंबर लिखा होगा वहीं पे जाके मिलना है ठीक है अब देख लेते हैं जिसका ए पेपर में है या फिर माइनर पेपर में है तो देखिए जिसका माइनर पेपर में है माइनर पेपर सेमेस्टर थ्री में अगर आप रखें तो यहाँ पे लिखा है झारखंड के सांस्कृतिक केंद्र एवं परंपराएं ठीक है सब का इसी तरह से मिलेगा यहाँ पे पेज नंबर चालीस है अपना अपना सभी का देख लीजिएगा पेज नंबर उसके बाद कोई ए पेपर में रखा है सॉरी ए पेपर में तो देखिए ए पेपर में अगर आपने रखा है तो आपको यहाँ पर मिलेगा ए ई ए पेपर इधर सेम थ्री लिखा होगा ये पेज नंबर सत्रह में है इसको पढ़ना है लेखन एवं प्रारूपण ठीक है तो जैसे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ सपोज दैट मान के चलिए मुझे देखना है मेजर पेपर फोर का ठीक है तो मेजर पेपर फोर का कितना है पेज नंबर बाईस में अब हम आ जाते हैं पेज नंबर बाईस में कहाँ तक पहुँचें तो हमारा है यहाँ पे पेज नंबर दो अभी पहुँचा इधर देखिएगा ये पेज नंबर यहाँ पे लिखा है ठीक है बाईस पे आ जाइए तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फटाक से पार कर लेते हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ सीखिए ठीक है ठीके? नहीं तो मैं आपको अलग से सेपरेट पी भी दे सकता था लेकिन आप सीखते नहीं वैसे में पेज नंबर बीस पेज नंबर इक्कीस और ये हमारा पेज नंबर बाईस है देख लेते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा सेमेस्टर थ्री मेजर पेपर फोर आ गया है सामान्य लोक साहित्य ठीक है और फिर आपका यहाँ पे इसके नीचे ही जस्ट मेजर पेपर फाइव मिल जाएगा ठीक है और चेक करते जाइएगा तो फिर आपको लास्ट में मिलेगा एकदम लास्ट का ऊपर में यहाँ से आपको मिल जाएगा ए के रूप में जो लोग रखे हैं ए सी पेपर में खोटा को तो उनका मिलेगा ठीक है हालांकि बहुत कम लोग रखे हैं जनरली मेजर पेपर का ही रखा जाता है मतलब ऑनर्स पेपर वही रखते हैं इन सब में अगर आपको मान लेते हैं कि किसी दूसरा भाषा को देखना है सपोज संथाली को देखना है ठीक है तो संथाली पे क्लिक कीजिएगा मैं फटाक से अब मैं करके दिखा देता हूँ जल्दी से और सेम उसी टाइप से आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा ऊपर उठाइएगा यहाँ पर पढ़ लीजिएगा टेबल ऑफ कंटेंट में कि आपको कितना नंबर पेज में जाना है पूछते हैं ना कि कितना नंबर रूम नंबर तो यहीं पे आपको बताएगा कितना पेज नंबर यहाँ पे देखिए इसको भी पढ़ना है संथाली लोक साहित्य पढ़ना है ना मेजर पेपर फोर में मेजर पेपर फाइव में पढ़ना है संथाली कविता के बारे में तो लगभग लगभग सबका सेम ही है इनको जाना है पेज नंबर बाईस में इनका भी पेज नंबर तेईस में और फिर आपका माइनर पेपर का आता है यहाँ आपसे देख लीजिए तो सेमेस्टर थ्री में ऐसी पेपर अगर आपको देखना है तो लेखन एवं प्रारूप के बारे में देखना है पेज नंबर सैंतालीस अगर आप माइनर पेपर में रखे हैं इसको तो माइनर पेपर ये रहा आपका ठीक है संथाली चौवालीस पेज नंबर इस तरह से जाइएगा और ये आपके मोबाइल पे डाउनलोड भी हो जाएगा और आप लोग पढ़ लीजिएगा अब बात करते हैं कि भाई हम बुक कहाँ से लें बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है कि किताब कहाँ से खरीदें किताब हमारे पास नहीं है तो देखिए इसका तो मैं आ, नहीं बता पाऊँगा कि कहाँ से खरीदिएगा लेकिन इतना बता पाऊँगा कि ये आपको रांची में मिल जाएगा अपर बाज़ार में या फिर डेली मार्केट में या फिर झारखंड चुरखा में ठीक है रांची में आपको जाएगा। में मिल जाएगा ठीक है रांची में सबका मिल जाएगा गैस पेपर मिलेगा या नहीं ये मैं नहीं बता पाऊँगा ठीक है लेकिन किताब आपको मिल जाएगा और अगर आपके पास किताब है कोई पढ़ के निकला है तो उनसे मांगिए अगर आपका कोई दोस्त डी एस पी एम यू में पढ़ता है ठीक है तो डेफिनेटली वहाँ पे मिल जाएगा आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी जो है ना मोर में वहाँ पे जाके खोजिएगा ना जिसका पुराना नाम रांची कॉलेज रांची था तो वहाँ पे जनरली आदमी क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाई करता है वहाँ पे ठीक है मैक्सिमम बच्चे क्षेत्रीय भाषा के ही पढ़ाई करते हैं तो अगर आप हैं तो आप वहाँ पे जाके खोज लीजिए बाकी ये सारे यहाँ पे आपके जो पढ़ना क्या है तो ये जो लिखा है इकाई वन इकाई टू इकाई थ्री यही सब आपको पढ़ना है ठीक है नीचे में आपको बुक्स के नाम लिखे होंगे ठीक है सभी का सभी ऑनर्स का इसी टाइप से तो बस आपको खोज लेना है इसी तरह से और मैं बता दिया आप लोग देख लीजिएगा बाकी सेक पेपर पर पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन पे क्योंकि वो पेपर आपको फेल करवा सकता है बाकी सभी पेपर में आप पास हो जाइएगा ठीक है लेकिन उसको नहीं पढ़िएगा तो फिर आप फेल हो जाइएगा चलिए थैंक यू और थैंक यू आप बोलिए मैंने आपकी हेल्प किया चलिए वो बोलता है ना दे नाचा रे मैं तेरे वास्ते तो फिर नाना पाटेकर भी नाच देता है ना कि मुझे भी दो मैंने भी नाचा चलिए तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू और इसका पी आपको डाउनलोड चाहिए तो मैं लिंक दे देता हूँ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली इस पेज पर पे आ जाइएगा ठीक है ओके बाय